देख रहे हो आम कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके जर जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज है कोई भी ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमोन के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमोन उनकी हिफाजत करता है, जैसा आपने बताया तो आमोन खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमोन का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। माफ कीजिएगा बानो, ये आमोन था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमोन पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफी चाहता हूँ। आमोन खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है, लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी नियाजमंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास व जेवरात और गुसल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीज़ों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने सजने संवरने नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमोन से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं क्या? नहीं है। मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। युजासिफ बजाहिर एक बच्चा है, मैं उसके कई एक सवालात के जवाब देने से कासिर थी, मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाब तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ माबद ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमोन के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है अली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाजत तक नहीं दी।
ये मेरा बैतुल हुज्न है, वो हुजरा जहां मैं अपनी बाकी मांदा उम्र गुजारूंगा और यूसुफ के फिराक में नोहक कना रहूंगा, और उसके इंतजार में यहीं और इसी जगह नजर जमाए बैठा रहूंगा। बाबा, आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई यूसुफ लौट कर आएगा? बेशक मेरी बेटी, हमें हमेशा उसके लौटने का मुंतजर रहना चाहिए। आखिर आप यूसुफ को भूल क्यों नहीं जाते? किस तरह भूल जाऊं? अगर वो मर गया होता तो चंद रोज उसका सोग मनाता और बात खत्म हो जाती, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं कि वो किस हाल में है। हमेशा खुद से यही पूछता रहता हूँ कि इस वक्त क्या कर रहा होगा, उस पर क्या मुसीबत टूटी है। कहीं रहसनों के हत्थे तो नहीं चढ़ गया, कहीं मुर्दा फरोशों ने तो उसे नहीं उठा लिया, उसे गुनाहों में आलूदा तो नहीं कर दिया गया। शिकम शेर है या भूखा, तन पर कपड़े हैं भी या नहीं। सब्र कीजिए नबी खुदा, क्यों खुद को इस कदर हलकान करते हैं? अजीजों की मौत के गम की तो इंतहा है, लेकिन हिजर फिराक का दर्द लामुतनाही है। इसके बावजूद मैं सब्र इख्तियार करूंगा और इंतजार करूंगा। आमादा है जी आली जनाब। इसे अपने हमरा ले जाना क्या बहुत जरूरी है? हाँ, आमून होतब ने इसकी बहुत तारीफ सुनी है, लिहाजा इसे आमून होतब के पास भी ले जाना है और मामूद भी। मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं, इसे महज एक बच्चा ना समझे। वो तनावा दरख्त की मानिंद नहीं है, वो तो अभी नौजवान है, लिहाजा बासानी ढल सकता है। उसे बताऊंगा तो उसे मिस्र के आइन की अजमत और शान शौकत का अंदाजा हो जाएगा। हमारा यूजार सिर्फ जवान आमादा है। आली जनाब, पूतीफार की अतात के लिए हमेशा आमादा हूँ। यूजार सिर्फ, बगी खतरनाक सवारी है, अपना ख्याल रखना। अतात बानो हुजूर। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाइए, वो मेरी बग्गी में मेरे साथ ही होगा, आप परेशान मत हो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हरकत करो। आमून के सिपाही नहायत ही खुदसर फितना परवर है। ये गल्ले के गोदाम है माबद आमून की मिल्कियत। मिस्र के कुल गल्ले की एक बड़ी मकदार हर साल यहाँ जखीरा की जाती है। गालिबन कहीनों का पेट कभी भरने वाला नहीं है। बाघ और औरतें जो तुम देख रहे हो, ये भी आमून ही की मिल्कियत है। आमून से मुतालिक मजारे और जानवरों को मैंने पहले भी नील के किनारे देखा है। वो मोटे ताजे जानवर जो तुम देख रहे हो, ये भी काहिनों की पेट पूजा के लिए है। काहिना ने माबद नहीं चाहेंगे कि उनके मफादात में किसी किस्म की कोई रुकावट हायल हो।
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है? ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मुती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज नामो नमूद के बंदे हैं, बाज मालो दौलत के बंदे और बाज पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। बानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पुतिफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। यह फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बज़ाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और एलची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए हैं। ये खराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के जेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदाद और महसूलात में से खास मकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है, ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। खराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें। ओ,
अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। महबूद आमुन इस सहानत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाहू से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वैशी पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पुतिफार की जानिब से होगा। हरकत करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश्क किया करो। फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पुतिफार, खुदावंद आमून मोहतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला, खुदावंद मर्दम मिस्र और फरजंद खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक फायक हाकिम जनाब पुतिफार अजीज मिस्र पर। पुतिफार? जी आली जनाब। कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदावंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिले की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब? पुतिफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदान और आकिलो दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है अली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री जबान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज और लफ्ज़ तासुफ से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूजारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है।
बहुत खूब यूजारसीफ, पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादान हो। तुम मिस्र की अजमत व बुलंदी और शान व शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जब के फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत व बुलंदी मेरे लिए काबिले ताज्जुब है, जो मुझे बुलंदो बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चरने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नज़र में मिस्र की कुदरत व अजमत बुलंद व बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन आफरीन यूजार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताज़ीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसकी रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताज़ीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताज़ीम बजा लाया। क्या जनाब पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून के सिपाहियों की खुद सरियों और फितना परवीनों की शिकायत की खत से हाजिर हुआ था। उमूमी शहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शिकनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तयाई कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहनाने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मोतकिद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए, मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपासगुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसा मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो।
مجمع عام میں سب کی نظروں کے سامنے مجھے تازیانے مارے۔ اگر میں پوتیفار کی جگہ ہوتا تو تم جیسے نالائق اور حقیر سپہ سالار کو مار دیتا۔ لیکن اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ اگر میں اس کے ارادے بھاگ گیا ہوتا تو اسے مارنے کا موقع ہی نہ دیتا، ورنہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھ سے ٹکر لے۔ تم اپنی گلی میں تو بڑے شیر ہو، لیکن پوتیفار کی مقابلے میں ایک لومڑی سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت ہو چکی بکواس، اب یہ بکو کے کرنا کیا ہے؟ جو کتا اپنے گھر کے سامنے بھونکتا ہو اس سے کیا پوچھتے ہیں، میں کیا جانوں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوتیفار اور اس کے ارباب اختیار دونوں ہی خداؤں کے دشمن ہیں، خصوصاً آمون کے۔ لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ یہ تو واضح ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ان دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے، وہ بھی سخت ترین۔ اور ان میں سزا دینے کی کس میں ہمت ہے، تم میں یا تمہارے ان نالائق اور ڈرپوک سپاہیوں میں؟ میرے پاس اگر کثیر سپاہ ہوتی تو ٹپس کو اس کے منحوس وجود سے پاک کر دیتا۔ تم اگر مرد میدان ہوتے حاضر ثابت کر دیتے۔ پوتیفار اور ان کے حامی آمون ہو تب دونوں ہی صاحبان اقتدار اور قدرت مند ہیں، اور نہیں معلوم کہ معبد اور شاہی دربار کے مابین جنگ کی صورت میں جیت کس کی ہوگی، کون غالب رہے گا، کون مغلوب، بہتر ہوگا ان کے ساتھ نرمی سے کام لو جب تک کوئی مناسب وقت نہ آئے۔ رودمو۔ جی عالی جناب۔ ایک ذہین و لائق شاگرد اب دیکھنا ہے کہ کیا جوہر دکھاتے ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوی اور شجاع بنے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا جناب پوتیفار؟ جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ آپ یوزار شیف کو فنون حرب کی تربیت دیں۔ شمشیر بازی، تیر اندازی، نیزہ پھینکنا اور گھوڑ سواری وغیرہ کی تربیت دیں۔ اطمینان رکھو، تمہاری یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ میں اپنی تمام تر کوششوں کو بروقار لا کر اس کی تربیت کروں گا، آپ اطمینان رکھیے عالی جناب۔ آؤ میرے ساتھ۔ مشکی تلوار، یہ تلوار ہے؟ یہ بچکانہ تلوار ہے۔ جو بھی تلوار ہاتھ میں لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے ابتدا میں اس چوبی تلوار سے مشق کرنا پڑتی ہے۔ تیار ہو؟ اپنا دفاع کرو۔ آفرین، تمہیں چاہیے کہ میری تلوار کے وار کو روکو۔ تیار ہو؟ اگر تلوار ہوتی تو اس وقت تمہارا پیٹ چاک کر دیا ہوتا۔ اب تم وار کرو۔ میں آپ پر وار کروں؟ ہاں، زور سے مارو۔ آپ کو درد ہو جائے گا، میرا دل نہیں مانتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، مارو۔ جی بہتر، آپ خود ایسا کہہ رہے ہیں۔
आली जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानो हुजूर। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो जुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूज़ार सीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रही हूँ। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सिपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूज़ार सीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूज़ार सीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत ज़हीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के ज़िमन में उसके मुनासिब और बजस्ता जवाब आबले तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला यूज़ार सीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूज़ार सीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं।